तो इस वीकेंड का वार को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहां एक तरफ लोगों की नजर इस बात पर है कि अनुराग को लेकर क्या कॉल लिया जाएगा। वहीं हम आपको बता दें कि इस वीकेंड का वार सलमान खान मौजूद नहीं रहने वाले। जी हाँ, इस हफ्ते सलमान खान जो है वो शो होस्ट करते हुए नहीं नजर आएंगे। सलमान की जगह जो है करण जौहर बतौर होस्ट आने वाले हैं। तो यहाँ पर करण जौहर जो है इन लोगों से बातचीत करेंगे। करण जौहर जो है जो भी मुद्दे हैं उन पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ जो खबर आ रही है वो ये कह रही है कि इस हफ्ते सलमान मौजूद नहीं होंगे। तो आपको क्या लगता है कि इससे पहले भी कई बार जो है करण जौहर ने होस्ट किया है जब सलमान नहीं होते, या फिर फराह खान आती हैं, लोगों को जो है फराह का जिस तरीके से शो पर पकड़ है वो थोड़ा बहुत एनालिसिस जो करती हैं वो फिर भी पसंद आता है। लेकिन करण जौहर को लेकर मैं बात करूं तो करण जौहर जो है शो को इतना ज्यादा फॉलो नहीं करते, क्योंकि इससे पहले भी जब उन्होंने शो होस्ट किया है तो ये बात साफ साफ नजर आई है और समझ में आ जाती है। तो लोग अब देखते हैं कि किस तरीके से वो जितने भी मैटर हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे मैटर हुए हैं ना घर में, उनको लेकर डील करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि इस हफ्ते अब सलमान खान नहीं होंगे। लोग ये देखना चाह रहे थे कि अगर इस हफ्ते सलमान आते हैं तो सलमान वर्सेस अनुराग होता ही होता, तो ये देखने में मजा आता और देखना दिलचस्प होता कि आखिर सलमान का इस बात पर क्या टेक है जो अनुराग बार बार जो है घर जाने की बातें कर रहा है उस पर। तो आप क्या कहेंगे कि क्या वाकई में जस्टिस हो पाएगा जो मुद्दे हैं उनसे? क्या आपको लगता है कि करण उतने अच्छे से कर पाएंगे? दरअसल बिग बॉस तक की ये खबर है कि यहाँ पर जो है अब इस हफ्ते करण जौहर सलमान की जगह आएंगे। इसको लेकर फिलहाल किसी तरीके की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई। इसको लेकर अगर कोई भी खबर आती है तो हम आप तक लेकर जरूर आएंगे।